नमस्कार हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। बीजेपी का गृह संपर्क अभियान शुरू। सीएम जयराम ने टूटू में लोगों को बताया सीएए का सच। जयराम बोले हिमाचल में सकल राजस्व प्राप्ति में 538.51 करोड़ की बढ़ोतरी। वर्ष 2020 के पहले जनमंच में मंत्रियों ने सुनी जन समस्याएं। ऊना में दुखी माँ की फरियाद। हिमाचल में 3 दिन होगी भारी बर्फबारी। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। मंडी में बर्फ हटाते हुए जेसीबी की चपेट में आए बेलदार और राहगीर। पंडोह में बीबीएमबी की गुमटी में लगी आग। 1 पुलिसकर्मी जिंदा जला, 2 जवान घायल। माल रोड पर पारंपरिक वेशभूषा में 500 महिलाओं ने 1 घंटे डाली नाटी। कुल्लू में 1.5 किलो और सुंदरनगर में 0.5 किलो चरस के साथ पकड़े 5 युवक। अब समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत बीजेपी का गृह संपर्क अभियान आज से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत सीएम जयराम ने शिमला ग्रामीण के टूटू में लोगों को अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस अधिनियम के बारे में दुकानदारों और आम जनता को पुस्तिकाएं वितरित की और उनको बताया कि ये अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि ये अधिनियम नागरिकता देने के लिए है और देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2018 के मुकाबले वर्ष 2019 में हिमाचल में सकल राजस्व प्राप्ति में 538.51 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये वर्ष 2018 में हुई सफल राजस्व प्राप्ति से 17.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 तक 3,653.68 करोड़ रुपए का सकल राजस्व एकत्रित हुआ, जबकि दिसंबर 2018 तक ये प्राप्ति 3,115.17 करोड़ रुपए थी। सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के दृढ़ प्रयासों के कारण ही राजस्व प्राप्ति में ये वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 का पहला और जयराम सरकार का 19वां जनमंच रविवार को 10 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मंत्रियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निपटारा किया। ऊना के लठियाणी में एक दुखियारी मां जनमंच में अपनी फरियाद लेकर आई। उसने बेटे पर मारपीट और घर से निकालने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कड़ा संज्ञान लिया और डीसी संदीप को मामला देखने के निर्देश दिए। हिमाचल में 6 से 8 जनवरी तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी, जबकि मध्यम और निचले इलाकों में ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग ने 6 और 7 जनवरी को प्रदेश के 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन व सिरमौर में बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी डीसी को अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जिला डीसी को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार रहने की भी एडवाइजरी भेजी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुल्लू और मंडी जिला की सीमा पर बर्फ हटाते समय एक अनियंत्रित जेसीबी की चपेट में आकर
दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीते बजौरा रोपा संपर्क मार्ग में पीडब्ल्यूडी के अधीन काम पर लगी जेसीबी कांडी में सड़क पर गिरी बर्फ को हटा रही थी। इसी बीच जेसीबी अनियंत्रित हो गई और इसकी चपेट में एक बेलदार व राहगीर आ गया। ऑड पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मंडी के पंडोह में बीबीएमबी की गुमटी में आग लगने से पुलिस जवान जिंदा जल गया, जबकि दो अन्य पुलिस जवान घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान संतोष कुमार निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। संतोष कुमार 4th आईआरबीएन में तैनात था और पिछले कुछ समय से पंडोह स्थित बीबीएमबी के पीवीटी स्विच यार्ड में बतौर इंचार्ज अपनी सेवाएं दे रहा था। डे शिफ्ट में ड्यूटी देने के बाद संतोष रात को गुमटी में विश्राम कर रहा था कि रात करीब 1 बजे यहां आग लग गई। आगजनी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल के चौथे दिन माल रोड पर पारंपरिक कुल्लवी नाटी प्रतियोगिता देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा में सजी 500 महिलाएं एक साथ माल रोड पर उतर आईं, जिसके बाद देखते ही देखते माल रोड मनाली वाद्य यंत्रों से गूंज उठा। माल रोड पर एक साथ थिरके 500 महिलाओं के कदमों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नाटी 1 घंटे तक चली। नगरखंड के राइट बैंक साइट के 40 महिला मंडलों की करीब 500 महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में स्पर्धा में भाग लिया। जिला कुल्लू में पुलिस ने 4 किलो जबकि सुंदरनगर में आधा किलो चरस के साथ 5 युवकों को पकड़ा है। पहले मामले में बंजार थाना क्षेत्र में सिधवा पुल के समीप नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों के कब्जे से 1 किलो 605 ग्राम चरस बरामद की। चारों बिलासपुर के रहने वाले हैं। वहीं सुंदरनगर में पुलिस ने NH21 पर पुंग में नाके के दौरान पंजाब रोडवेज की बस से कांगड़ा जिला के पालमपुर निवासी सचिन को 598 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।